दोस्तों यहाँ सलमान खान अपने फैन से किया वादा तोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ सलमान खान की फिल्म ईद में हमें पिछले 11 सालों से देखने को मिल रही है और समय 2009 से सलमान खान ने ये सिलसिला चालू किया था और यहाँ हमें बैक टू बैक सलमान खान की फिल्में ईद में देखने को मिली है। हालांकि जैसे कि यहाँ 2013 में यहाँ सलमान खान की कोई फिल्म नहीं आई थी, इस कारण से 2013 ईद में हमें सलमान खान की फिल्म देखने को नहीं मिली थी और यहाँ पर हमें शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस देखने को मिली थी। लेकिन जैसे कि हमें देखने को मिला है कि जब भी किसी साल सलमान की फिल्म आती है तो वो डेट होती है ईद। इस मस्त 2020 ईद में हमें सलमान खान की फिल्म राधे देखने को मिलने वाली थी और जैसे कि इस फिल्म का इंतजार भी काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था, लेकिन अब ये खबर फैल गई है कि सलमान खान की फिल्म राधे इस ईद में रिलीज़ नहीं होगी। ऐसे में हमें ये भी देखने को मिला है कि सलमान खान की फिल्म ईद में नहीं आती है तो यह सलमान खान अपनी फिल्म दिवाली या फिर क्रिसमस में लाते हैं। लेकिन 2020 क्रिसमस में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा आ रही है और वहीं दिवाली पर अक्षय कुमार अपनी फिल्म पृथ्वीराज ला रहे हैं। इसमें उससे देखने वाली बात होगी कि सलमान खान यदि अपनी फिल्म ईद में नहीं लाते हैं तो क्या ये फिल्म हमें दिवाली में देखने को मिलेगी। ऐसे मस्त 2009 में हमें सलमान खान की पहली फिल्म ईद में देखने को मिली थी और यहाँ सलमान खान की इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने और वहीं अब 2020 में सिलसिला टूटने जा रहा है और यहाँ सलमान की इस फिल्म को भी प्रभु देवा ही डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे मस्त 2009 में हमें सलमान खान की वांटेड, 2010 में दबंग, 2011 में बॉडीगार्ड और वहीं 2012 में एक था टाइगर और 2014 में किक, 2015 में बजरंगी भाईजान और 2016 में सुल्तान। साथ ही यहाँ 2017 में सलमान खान की ट्यूबलाइट हमें देखने को मिली थी और 2018 में सलमान की रेस 3 और वहीं 2019 में आई थी सलमान की भारत। और जैसे कि 2020 में सलमान की राधे और मोस्ट वांटेड भाई आनी थी और वहीं जैसे कि सलमान खान की 2021 ईद की फिल्म भी फाइनल है यानी कि कभी ईद कभी दिवाली। लेकिन जैसे कि फिलहाल तो इस ईद में हमें सलमान खान की फिल्म देखने को नहीं मिलेगी और इस कारण से सलमान के फैंस काफ़ी अपसेट हो सकते हैं। ऐसे मस्त सलमान की राधे इस ईद में रिलीज नहीं होती है तो ये फिल्म आप कब देखना चाहेंगे, दिवाली के मौके पर या फिर क्रिसमस के मौके पर, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।